हेलो फ्रेंड्स, सो 20 दिन के बाद अब ICAI के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, फाइनल के और IPCC दोनों के। तो इस 20 दिन के अंदर अंदर हम अपनी क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप देने वाला हूँ, जो कि पर्सनली मैंने भी अपने CA फाइनल में यूज़ करी थी। तो द कंडीशन जो कंडीशन है आपको ये टिप फॉलो करने से पहले कि एटलीस्ट आपने एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर रखा हो प्रॉपरली, एक बार अपने कॉन्सेप्ट सारे कर रखे हो, तो भी ये टिप आप अगर फॉलो करते हैं तो आपके पास होने के और अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो आपको इन 20 दिनों में करना क्या है कि जितने भी मॉक टेस्ट पेपर हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन सबको पिछले 6 अटैम्प्ट के आप उठा लीजिए। मॉक टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर्स पिछले 6 अटैम्प्ट के उठा के उनको आप सॉल्व करिए। उनको आपको पूरा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको पूरा स्टडी मटेरियल उठा के पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको पूरा पेपर उठाना है किसी भी पीरियड का और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करने हैं। तो इससे क्या होगा, आपने जैसे ये क्वेश्चन करा, या तो आपसे क्वेश्चन वो और आसानी से हो जाएगा, आप इसको पूरा सॉल्व करके अपने सजेस्टेड आंसर से मैच कर लीजिए। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसका आंसर ना देखें, पहले आप इसका चैप्टर पढ़ें कि कौन से चैप्टर का है और उसका कंसेप्ट वापस पढ़ें, तो आपका इसके साथ ही आपके कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। तो आप सिंपली पेपर उठाइए और पेपर सॉल्व करिए, जितने भी पुराने 6 अटैम्प्ट के हैं और RTPs और ये मॉक टेस्ट पेपर पिछले 6 अटैम्प्ट के। इससे आपको एक ये बेनिफिट और होगा कि आपका पेपर देने की प्रैक्टिस भी बन जाएगी। तो जो एग्ज़ाम में पेपर देते वक्त आपको फियर महसूस होगा या डर जो महसूस होता है, वो आपका बिल्कुल ही लिमिट हो जाएगा इससे। तो आप ये अप्रोच अपनाइए कि अपना पूरा स्टडी मटेरियल वापस रिविजन करने से बेटर है, एक पेपर उठाइए, उसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करिए, एक कॉपी अलग ले लीजिए, उसको सॉल्व करिए। अगर वो आपसे सॉल्व हो रहा है तो आप सॉल्व करिए उसे प्रॉपर और उसका फिर आंसर मैच कर लीजिए। इसमें आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको रिसर्च करिए अपनी बुक्स के अंदर, तो इससे आपके वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते रहेंगे। तो ये बहुत ही इफेक्टिव वे है आपका कम टाइम के अंदर, 20 दिनों के अंदर अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको एक टिप की तरह या एक ट्रिक की तरह आपको एक यूज़ आए। तो थैंक यू वेरी मच, अगर आपको सही लगा हो तो वीडियो। थैंक यू वेरी मच।